ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। वेद पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। हम हर रोज़ अपने चैनल पे आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ माँ गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों मान्यता है कि धनतेरस पे 13 दीपक जलाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको धनतेरस पे सिर्फ ये 3 दीपक जलाने हैं और ये काम करेंगे 13 दीपक का, और माँ लक्ष्मी घर में भी आएंगी दोस्तों। जी हाँ, आपको बस ये दीपक जलाने होंगे इन स्थानों पर। लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग इस चमत्कारी प्रभावशाली उपाय का धनतेरस के दिन पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों चलिए विषय पे पुनः वापस आते हैं। दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का त्यौहार घर में सुख समृद्धि और धन लाभ लेकर आता है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा भी बरसती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। दोस्तों धनतेरस के दिन घर में 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आप किसी कारणवश 13 दीपक नहीं जला पाते तो आप बस ये 3 दीपक जला सकते हैं। दोस्तों 13 की दीपक की जगह 3 दीपक जलाने का भी महत्व है। 3 दीपक को घर के इन 3 जगहों पर रखने से फल की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों यदि आपको अब तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते रहेंगे। धनतेरस के दिन घर के मंदिर में अखंड दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों इसी के साथ धनतेरस के दिन दीपक जलाएं और उसमें 2 काली गुंजा डाल दें। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार पर अन्न की ढेरी बनाकर रख दें। ऐसा करने से पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। हम आपको 2 स्थान बता चुके हैं, अब बारी है तीसरे स्थान की। दोस्तों धनतेरस पर घर के ईशान कोण पर दीपक जलाएं। इस दीपक में रुई बत्ती की जगह कलावे का इस्तेमाल करें। अगर संभव हो पाए तो इस दीपक को दिवाली तक जलाए रखें तो और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। दोस्तों तो ये हैं वो 3 स्थान जहाँ आप यदि धनतेरस के दिन इन 3 दीपक को जला देते हैं तो 13 दीपक जलाने का ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और घर पर अपनी कृपा आप पे बरसाएंगी। दोस्तों लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ दीपक इन स्थानों पे नहीं जलाना, जिस हिसाब से हमने बताया है उसी हिसाब से बत्ती का या जो भी हमने जानकारी दी है उसका उस तरीके से ही उपाय करना है, तभी वो पूरी तरीके से फलीभूत हो पाएगा। दोस्तों यदि आपको भी ये वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लगे हाथ हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे कि सभी लोग इस कमाल की जानकारी और उपाय का लाभ उठा सकें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।